ये अपराध की कोई सीमा ही नहीं। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे, मगर क्या ये शुतुरमुर्ग नीति से हमको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में गदर 2 को लेकर पाकिस्तान के हमलावरों ने इंडिया के कुछ लोगों को लेकर सन्नी पाजी के ऊपर किया जोरदार हमला। इसी बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन्नी पाजी के ऊपर हमला करने वाले हमलावरों को ढूंढने के लिए किया ऐलान। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह सन्नी पाजी की गदर 2 मूवी रिलीज होते ही काफी सिनेमाघरों में हंगामा मचा रहा है, उस तरह काफी लोगों में मूवी देखने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात को लेकर सन्नी पाजी के घर पे बीजेपी सरकार ने प्रशासन भेजने का ऐलान किया। अगर प्रशासन नहीं भेजता तो सन्नी के ऊपर जोरदार से हमला भी हो सकती है। दोस्तों आप लोगों को पता है दुश्मनों के लिए सन्नी पाजी के ऊपर इतना नफरत क्यों है? सन्नी पाजी ने अपने डायलॉग से सारे दुश्मनों के अंदर डर ही डर पैदा कर दिया है। अगर सारा हिंदुस्तानी फिल्मी के जगह रियल में ऐसा करने लगे तो हमारा क्या होगा? अब तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।